क्या बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश और लालू के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इस वजह से तेजस्वी यादव ने तो अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा ही रद्द कर दिया। बिहार की महागठबंधन सरकार के दो बड़े दलों जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ताजा तनाव की खबरें हैं। ऐसा दावा इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है कि इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस तनाव के कारण राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा भी रद्द कर दिया। अखबार के मुताबिक ताजा तनाव जेडीयू के अध्यक्ष पद से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को हटाने के बाद से बड़ा है। ललन सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि ये कहा ललन सिंह ने कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि ललन सिंह की आरजेडी से बढ़ती नजदीकी के कारण ऐसा कदम उठाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया गठबंधन पर अपने लिए एक मुख्य भूमिका का दबाव डाल रहे हैं और पार्टी पर सीधा नियंत्रण चाहते हैं। महागठबंधन सरकार के बीच साफ कलह का संकेत तब भी देखने को मिला जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया। ये दौरा 6 जनवरी से शुरू होने वाला था। तेजस्वी यादव IRCTC मामले में ईडी के सामने पेशी के अगले दिन ये जाने वाले थे। ये पहले से प्लान था कि अगले दिन वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लेकिन इस दौरे पर जाने से पहले ही उन्होंने ये दौरा टाल दिया। ये संकेत है, मीडिया जगत में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि ये बिल्कुल इस बात का यही मतलब निकाला जाएगा कि दोनों के बीच में कुछ तनाव है, कुछ खींचतान जारी है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते कि कहीं वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ और यहाँ पर सरकार ही पलट जाए, नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार जाएं, ऐसी आशंका है क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा किया है। आरजेडी के एक मुख्य नेता अखबार से कहते हैं, उनके हवाले से इन्होंने छापा है कि पार्टी अपने मुख्य नेता को देश से बाहर भेजकर राज्य की राजनीति में अनिश्चितता के बीच कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने दिसंबर में 4 मौकों पर मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं किया था, ये हमारे तनावपूर्ण संबंधों का संकेत है, उनका हवाला इन्होंने दिया है। और कहा है कि मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को कुशासन यानी आरजेडी के कार्यकाल को लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शर्मिंदा करते रहे हैं। बड़ी एक दावा किया इंडियन एक्सप्रेस ने कि नीतीश कुमार जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि मेरे आने से पहले यहाँ जब आरजेडी का शासन था तो कुशासन था, जंगल राज था, वो इस तरह से शर्मिंदा करते रहे हैं। नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार से पहले बिहार में कुशासन था। बड़ी बात एक इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। अगर ये सच है तो फिर इस बात का यही मतलब निकाला जाएगा कि बिहार में कुछ ज़बरदस्त सियासी भूचाल आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललन सिंह के जेडीयू प्रमुख पद से हटाए जाने से जेडीयू और आरजेडी के बीच एक अविश्वास पैदा हुआ है क्योंकि ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाने लगा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनकी करीबी आरजेडी से बढ़ रही हैं, तेजस्वी यादव से बढ़ रही हैं, और ये एक कहीं ना कहीं अब हटने के बाद एक भरोसा कम हुआ है जिसे कोई भी नेता सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा कि क्यों अध्यक्ष को हटाना पड़ा, नीतीश कुमार क्यों ललन सिंह की जगह अध्यक्ष बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी या बीजेपी की तुलना में जेडीयू को सिर्फ आधी सीटें मिली थी। जेडीयू को जहां 43 सीटें मिली थी वहां बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, यानी सबसे कम सीट पाकर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सरकार बनाई उन्होंने, लेकिन अगस्त 2022 में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था, बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद जो है उन्होंने अभी वो महागठबंधन की सरकार चला रही हैं। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड पलटी मारने का है। ये कहा जाता है कि वो बार बार पलटी मार लेते हैं, उनका भरोसा नहीं है और उन्हें लालू की पार्टी जो है वो अक्सर पलटूराम कहकर चिढ़ाती रहती है कि ऐसे जो नेता हैं नीतीश कुमार ये कब पलटी मारेंगे, कोई इनका भरोसा नहीं है, वो चिढ़ाती रही है। ऐसे में इन संकेतों के बाद बिहार और दिल्ली के सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ लालू और नीतीश के बीच तनाव की खबर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर ये दोनों नेता अलग हो गए तो फिर देश के चुनावी राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी अगुवाई में विपक्ष का इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार वो नेताओं से मिल रहे थे और वो कह रहे हैं अभी जो इंडिया गठबंधन है उसने एक रणनीति बनाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनके खिलाफ वो एक कॉमन जॉइंट कैंडिडेट देंगे, यानी एक सीट पर एक कैंडिडेट
होगा और सारी पार्टियां इस तरह से सीट शेयरिंग करेंगी और बीजेपी को हराएंगी, एक बड़ी रणनीति बनाई है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लालू और नीतीश के बीच तनाव बढ़ गया है, इनके राहें अगर अलग हो जाती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जनवरी शुरू हो गया, 2024 आ गया और अभी जो है अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, तो अगर उससे पहले ऐसा होता है तो ये एक बड़ा सियासी उलटफेर देश की राजनीति में कर सकता है। क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो यही संकेत दे रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।